कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को मेरठ और मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हिंसा का शिकार हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका सबसे पहले मुजफ्फरनगर में हिंसक प्रदर्शन में मारे गए नूर मोहम्मद के घर गई। उन्होंने पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया और कहा कि कांग्रेस पुलिस की अमानवीय कार्यवाही के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। इसके बाद मेरठ के प्रतापपुर में पीड़ितों से मिली। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीएए के विरोध का श्रेय लेने की होड़ लगी है। सपा का कहना है कि कांग्रेस का प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं था, पर देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं ने लड़ी। प्रियंका ने मुजफ्फरनगर में मौलाना असद मोहम्मद से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। असद ने बताया कि पुलिस अचानक आई और मदरसे से बच्चों को उठा कर ले गई। काफी लोगों को चोटें आई थी, कई बच्चों को जेल में डाल दिया गया, कुछ को रिहा किया गया तो कुछ अभी जेल में बंद है। नूर की पत्नी से मिलने के बाद प्रियंका ने कहा कि परिवार की कहानी दर्दनाक है। नूर की पत्नी गर्भवती है, उसकी 1.5 साल की बेटी भी है। अब वह पूरी तरह से अकेली हो गई। हम उसकी हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि पुलिस ने किस तरह प्रदर्शन के दौरान ज्यादती की। हम पीड़ितों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं था तो उसके नेता क्यों गिरफ्तार किए गए और लोगों को उनके परिजनों से मुलाकात कर मदद की पेशकश कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए सपा ही सड़कों पर उतरती थी, कांग्रेस तो सुविधा भोगी पार्टी रही है। उन्होंने वादा किया कि अगर 2022 में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो प्रदर्शनों के में गिरफ्तार लोगों को लोकतंत्र सेनानी की तरह से संविधान रक्षक के तहत पेंशन दी जाएगी। सपा ने ही उत्तर प्रदेश में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी पेंशन देने की शुरुआत की थी। इस पर भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों को एक पार्टी पेंशन देने की बात कह रही है तो दूसरी पार्टी कानूनी सहायता देने की। इनका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। कांग्रेस और सपा वोट के लिए देश को बांटना चाहती है। काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया, उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में इन्होंने डाले। और दूसरी जगह जहाँ मैं गई नूर मोहम्मद की बहुत बहुत ही दर्दनाक, वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेगनेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से की? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ हम जरूर खड़े रहेंगे और हम जरूर। क्या लगता है आपको किसकी कमी रहेगी? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदय को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है, उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है, बेवजह। देखिए वजह होती है, किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।